वेलकम टू इलैक्ट्रीकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। अज दा वीडियो दे विच असी फंडामेंटल ऑफ इलैक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली दा मुढ़ला ज्ञान एम सी क्यू पार्ट 3 इस दे विच कुछ क्वेश्चन हैगे है जिन्हां दी कैलकुलेशन और नाल दूसरे क्वेश्चन नूं डिटेल दे विच समझांगे। सो अज दा वीडियो शुरू करदे हां फंडामेंटल ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एम सी क्यू पार्ट 3। सो अज दा पहला क्वेश्चन असी इस वीडियो दा करन जा रहे हां। इस तों पहले जिहड़े 5 क्वेश्चन सीगे वो असी फंडामेंटल ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एम सी क्यू पार्ट 2 दे विच कीते सी और पार्ट 3 दे विच असी 6वां क्वेश्चन शुरू करन जा रहे हैं। इस वीडियो दा पहला क्वेश्चन है। इस दे जिहड़े पहले क्वेश्चन च किया गया 200 वाट दा जिहड़ा लैंप है और 200 वोल्ट ते जदों असी उस नूं लगाउणे आ तो उसका प्रतिरोध किन्ना हुंदा है? तां पहली ऑप्शन है 400 ओम, बी हैगी है 100 ओम, सी है 200 ओम और डी हैगी है 800 ओम। यानी कि असी जदों 200 वाट दे लैंप नूं 200 वोल्ट ते लगाउणे आ तो उसकी रजिस्टेंस किन्नी है? तां इत्थे साडे कोल ना तां करंट हैगा और पावर दित्ती गई है। जिवें इस तों पहलां वाले असी क्वेश्चनां च कैलकुलेशन करदे सीगे उहदे सानूं वाटेज नहीं सीगी, असी वोल्टेज करंट ते रजिस्टेंस दा रिलेशन देखदे सीगे। इत्थे साडे कोल पावर हैगी है तां इस दे विच जदों असी रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होवे और साडे कोल पावर और वोल्टेज दित्ती होवे तां उत्थे जिहड़ा फॉर्मूला हैगा वी स्केयर और पावर, तां इस नूं साडे कोल वोल्टेज किन्नी हैगी है जदों असी इस नूं कैलकुलेट करांगे? वोल्टेज हैगी है 200 वोल्ट है, 200 × 200 पावर किन्नी दित्ती है 200 वाट, 200 वाट दा लैंप है तां इस नूं जदों असी कट करांगे 200 नाल हो जाएगा तां साडे कोल की बच गया 200। तां इह 200 की हैगा? रजिस्टेंस है। तां जिहड़ी लैंप दी रजिस्टेंस होएगी 200 ओम होएगी, 200 ओम होएगी। तां असी इस दे ऑप्शन दे विच देखदे हां कि इस दे विच किहड़ी ऑप्शन दित्ती गई है, 400 ओम, 100 ओम, 200 ओम और 800 ओम। तां साडा जिहड़ा आंसर आया सी ਉਹ 200 ओम ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਹੈਗਾ 6ਵੇਂ ਦਾ 200 ओम। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 800 ओम ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 800 ओम ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 800 ओम ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਰੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 800 ओम, 4 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ R1, R2, R3 ਔਰ R4। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 800 ओम। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 800 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 800 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 200 ओम ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 200 ओम ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 200 ओम ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ओम ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 200 ओम, 200 ओम, 200 ओम। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਆਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होंगे। कुछ जड़े सिंपल शॉर्टकट भी मैथड होंगे जोड़े असी याद रखने होंगे। जेकर असी पैरल रजिस्टेंस कढ़नी हो पहला यदा जोड़ा फॉर्मूला है वन ओवर आर आर वन प्लस आर टू आर थ्री प्लस वन ओवर आर फोर फिर असी यदि वैल्यू पुट करके जो नीचे दिते गए इन्हों का एलसीएम निकालते हैं और फिर नीचे वाले नाल डिवाइड करके उपर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर साढ़े को वैल्यू आती है। लेकिन जदों इको वैल्यू दियाँ रजिस्टेंस होन पैरल पैरल कनैक्ट होन तो उत्थे एक आसान जिहड़ा शॉर्टकट मैथड है कि जिहड़ी एक वैल्यू की असी लिख देना हैगा क्योंकि एक समान है तो एक वैल्यू की कीमत लिख देनी है 200 और किन्नियां नंबर ऑफ जिहड़ियां रजिस्टेंस पैरल कनैक्ट हैगियां 1, 2, 3 और 4 चार कनैक्ट ने और असी इसे नूं जिहड़ा कैलकुलेट कर लांगे। फिफ्टी ते डिवाइड हो जाएगा और जिहड़ी वैल्यू आ जाएगी टोटल रजिस्टेंस वो आ जाएगी 50 ओम 50 ओम आ जाएगी। तो इत्थे जिहड़ा हैगा क्योंकि इत्थे सानूं पहला एलसीएम लेना है एलसीएम क्योंकि जदों बराबर वैल्यू होवे तो एलसीएम इक्को ही आ जाएगा 200 ओम ही आ जाएगा। फिर सानूं असी इहनूं मल्टीप्लाई और डिवाइड करांगे फिर उन्होंने प्लस करांगे उहदे ते टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये ध्यान रखना कि जदों वैल्यू एक समान होवे सारियां रजिस्टेंस दी पैरलल दे विच तां असी एक वैल्यू लिख देनी है रजिस्टेंस की और उसनों डिवाइड कर देना जिन्नियां नंबर ऑफ रजिस्टेंस हैगियां ने तो साढ़े को जिहड़ा आंसर आ गया वो 50 ओम आ गया 50 ओम आ गया। तो 50 ओम की जिहड़ी चैक करदे आ ऑप्शन कित्थे हैगी आ सी दे उपर आ तो साढ़े को जिहड़ा सही आंसर है 50 ओम का सी आंसर आ गया इसका। नैक्सट क्वेश्चन भी रजिस्टेंस नाल रिलेटड है कि प्रतिरोध आर दे एक तार की लंबाई अते क्रॉस सैक्शन दोवां नूं दुगना किया जाए हो जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा कि एक जिहड़ा रजिस्टेंस हैगी आ किसी तार की उन्हों आर मन्या होया कहिंदा जे इसकी लंबाई तो क्रॉस सैक्शन एरिया लंबाई मीनस उहदी जिहड़ी लेंथ हैगी आ लेंथ नूं वधा दिए और क्रॉस सैक्शन एरिया मीनस जिहड़ी इसकी मोटाई है उसनों भी दुगना कर दिए तो टोटल जिहड़ा लास्ट ते रिजल्ट की निकलेगा उस दे विच जिहड़ी वैल्यू दिती आ ऑप्शन दित्तियां ने ए हैगी आ 5 गुणा रजिस्टेंस वधेगी बी सेम उन्नी रहेगी जिन्नी पहली है सी 2R यानी कि डबल हो जाएगी रजिस्टेंस और डी हैगी आ 4 टाइम यानी कि 4 गुणा वधेगी। तो इत्थे नाल तुहानूं समझा दा मैं कि जिहड़ी रजिस्टेंस है ला ऑफ रजिस्टेंस है उस दे विच मान लो असी ए लेंथ दित्ती है इस दी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो 2 ओम है 2 ओम है तो जदों इसकी लंबाई असी डबल कर देंगे लंबाई डबल कर देंगे तो जिहड़ी रजिस्टेंस की लंबाई दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ जिहड़ी रजिस्टेंस है जिन्नी लंबाई वधेगी रजिस्टेंस इनक्रीज हो जाती है तो लंबाई दुगनी होने नाल रजिस्टेंस डबल हो जाएगी इसकी 4 ओम हो जाएगी। लेकिन जिहड़ा क्रॉस सैक्शन एरिया जिहड़ी उसकी गुलियाई आ उसकी उस तार की मोटाई हैगी आ जे उसनों डबल कर देंगे जे उन्हों वधा देंगे तो रजिस्टेंस घट जाती है रजिस्टेंस इनवर्सली प्रपोर्शनल है। तो जे असी उसका डाया वधा देंगे यानी कि पहला नालों जिहड़ी मोटाई हैगी आ उसनों ज़्यादा कर देंगे तो वह जिहड़ा पहला नालों अद्धी रह जाएगी क्योंकि सेम लंबाई है और इसका असी डाया जदों डबल करता तो इसकी रजिस्टेंस अद्धी रह जाएगी तो किन्नी रह जाएगी 2 ओम यानी कि जिन्नी पहले सी जे असी लंबाई वधा देंगे तो उसकी रजिस्टेंस डबल होगी और जे उस लंबाई का असी डाया इनक्रीज कर देंगे तो उसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो अद्धी रह जाएगी तो पहला वाली वैल्यू ही रह जाती है। तो इत्थे साडे कोल जिहड़ी ऑप्शन है साडे क्वेश्चन दे विच वो आर है जिहड़ी पोजिशन पहले रजिस्टेंस की है उन्नी रह जाएगी तो इसका जिहड़ा राइट आंसर है वह बी हैगा इसका बी। नैक्सट क्वेश्चन मटीरियल नाल रिलेटड है नाइक्रोम वायर कित्थे काम आउंदी है जिहड़ी नाइक्रोम मैटल की वायर है वह कित्थे काम आउंदी है ऑप्शन हैगियां ने सोलर पैनल बी लाइटिंग दे लई सी हीटिंग एलीमेंट
और डी इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। जिहड़ी नाइक्रोम है वो एक अलाय हैगा दो मैटल तो जिहड़ी बनी हुई है जिहड़ी मैटल है इसनों निकल और क्रोमियम 80% निकल और 20% क्रोमियम तो मिक्स करके जिहड़ी नाइक्रोम मैटल तैयार की है अलाय मैटल है और इसकी वरतों असी हीटिंग एलीमेंट वास्ते करते हैं। जिन्ने भी हीटिंग एलीमेंट चाहे वह प्रेस है गीजर है हीटर हैगा जा हेयर ड्रायर आ इन्हां दे विच जिहड़े एलीमेंट ने वो सारे नाइक्रोम वायर दे बनाए जाते हैं। तो इसकी जिहड़ा सही आंसर हैगा सी हैगा हीटिंग एलीमेंट दे काम आउंदी है जिहड़ी नाइक्रोम वायर हैगी है। लास्ट क्वेश्चन हैगा यूरेका वायर कित्थे काम आउंदी है। जिहड़ी यूरेका वायर है ऑप्शन हैगियां ने ए रजिस्टेंस दे लई बी सोलर पैनल लई बी उपरोक्त दोनों काम लई डी कहिंदा उपरोक्त कोई भी नहीं जां इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। जिहड़ी यूरेका वायर हैगी है वह कॉपर और निकल दू मिला के जिहड़ी अलाय मैटल हैगी है बनाई जाती है। इन्हां दी 60-40 दी रेशो है जिस दे विच 60% कॉपर और 40% निकल है और इसकी जिहड़ी रजिस्टेंस ज़्यादा होण करके इस दे विच हीट जिहड़ी वह घट पैदा होंदी है। तो इसकी जिहड़ी वरतों हैगी है वह असी रजिस्टेंस के तौर पर जिहड़ियां असी वेरिएबल रजिस्टेंस रियोस्टैट जिहड़े बनाने हैगे आ उन्हां दे लई जिहड़ी कीती जाती है यूरेका वायर क्योंकि इस दे विच हीट क्योंकि नाइक्रोम वायर भी एक इसकी भी रजिस्टेंस ज़्यादा होंदी है लेकिन इस दे विच हीट मिलती है हीट हो जाती गर्म हो जाती है हीट वास्ते वरतते हैं लेकिन जिहड़ी यूरेका वायर आ वह असी रजिस्टेंस के लिए वरतते हैं जिन्ना जगह पर असी रजिस्टेंस अप्लाई करनी होंगी है। उम्मीद है तुहानू इस वीडियो तो जानकारी मिली होगी। बेसिक तो असी नैक्सट जिहड़े चैप्टर वाइज अगे वीडियो बनाते जावे सो जिन्ना साथियों ने इस चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया जरूर कर लैन ताकि तुहाडे तक नवी वीडियो का जिहड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वीडियो लास्ट तक वेखन लई थैंक यू वेरी मच।